आज मैं जो रेसिपी आप सबके लिए लाई हूँ उसे आप सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये घर पे रखे सामान से बहुत ही ईजिली बन जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए देखते हैं इस क्रिस्पी मज़ेदार कटलेट को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 1.5 कप पोहा ले लेंगे। पोहा आप मोटा या पतला जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं, और इसे 2-3 बार धो लेंगे। और फिर इसको एक छलनी पे 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए 5 मिनट बाद इसका एक्स्ट्रा पानी नीचे बोल में इकट्ठा हो गया है और हमारा पोहा भी कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस पोहे को एक बड़े बोल में डाल लेंगे और इसको थोड़ा और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ सब्जियां भी डाल लेते हैं। ये है 1 कप बारीक कटा बीटरूट, और ये मैंने आधी शिमला मिर्च को बारीक कट कर लिया है, और ये एक छोटे साइज के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आप अपनी मनपसंद कोई सी भी डाल सकते हैं, जैसे मटर, गाजर, कॉर्न, जो भी आपके पास हो। चलिए अब इस मिक्सचर को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल लेते हैं। ये है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, और ये है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया भी डाल लेंगे, इससे इसका टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही, साथ ही ये कलरफुल भी लगेगा। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि एक डो होता है। शुरू में इसको मिक्स करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे ये बाइंड होने लगेगा। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो आप इसमें 1 टीस्पून के आसपास पानी डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि पानी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो डो गीला हो जाएगा। आप इस मिक्सचर को हाथ में लेकर इस तरह से दबाकर देखें कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको एक बार फिर से डो की तरह गूंद लीजिए। अब हम इस मिक्सचर से अपनी मनपसंद शेप के कटलेट बना लेंगे। आप चाहें तो टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं, या थोड़ा सा चपटा करके भी बना सकते हैं, या जैसे मैं बना रही हूँ आप इसे इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। कटलेट को बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए इसको हम बाहर से ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक पतली स्लरी तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें जिससे कि इसमें लम्स ना रहें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए। ये देखिए मैंने 2-3 ब्रेड को मिक्सर में पीस कर फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए थे। अब हम कटलेट को पहले स्लरी में डिप करेंगे
फिर ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में डालकर इसे रोल कर लेंगे। ध्यान रखें कि ब्रेड क्रम्स हर तरफ से अच्छे से लग जाए। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब हम इनको एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। इनको फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें हमें मीडियम हॉट ऑयल में ही फ्राई करना है। तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा। जब ये एक साइड से हल्का सिक जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे और क्रिस्पी होने तक अलट पलट करके फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे क्रिस्पी करारे वेज पोहा कटलेट रेडी हैं। इसी तरह से हम बाकी के कटलेट भी तैयार कर लेंगे। वैसे तो आप इन कटलेट्स को किसी भी सीजन में एंजॉय कर सकते हैं। अभी जैसे कि हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आप इस रेसिपी को किसी भी छुट्टी वाले दिन बनाएं और गर्मा गर्म कटलेट्स को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। अब इन गर्मा गर्म कटलेट्स को आप चाहें टोमेटो सॉस के साथ खाएं या अपनी मनपसंद डिप के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।